तो हमें फिलहाल आमला जंक्शन में, जो कि सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन में आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड ऑपरेटेड ट्रेन खड़ी है यहाँ पर। अब ये जो क्रेन है ये पूरी की पूरी हैंड ऑपरेटेड रहती है, मतलब कि हाथों से इसको घुमाया जाता है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा पुरानी क्रेन है, लंदन में से बनाया गया था रैनसोम्स एंड रैपियर लिमिटेड मेकर्स के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कब की बनी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ 6415 को इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया गया था, इसमें थोड़ा पेंट एंट किया गया था। और 3859 ये इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, मतलब कि 1959 में इसको बनाया गया था। इतनी पुरानी ये क्रेन है, पूरी की पूरी स्टील की बनी है, यहाँ लिखा भी है ऑन स्टील, नंबर नंबर भी दिया है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं नीचे में कि किस तरह का इसका बेस रहता था, या फिर हम जो ट्रॉली कहते हैं, तो ट्रॉली इसकी किस तरह की रहती थी। और इस साइड में इसकी कपलिंग्स भी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए कपलिंग लगी है। और बाकी अब इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कितना टन वेट को संभाल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है टू लिफ्ट 5 टन, मतलब कि 5 टन की कैपेसिटी ये बियर कर सकता है एट 16 फीट रेडियस, मतलब कि ये 16 फीट रेडियस में गोल गोल घूम सकता है। और इसको घुमाएंगे कैसे, तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं इस हैंडल में अलग से एक और पाना या हैंडल टाइप का लगा दिया जाता है, जिसको कि घुमाने से ये जो चक्री है इतनी बड़ी ये घूमती है। और ये जो रस्सी गई है उस हुक में, तो उस हुक को कहीं भी कनेक्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही कोई भी इंसान इसको घुमाएगा तो वो हुक जो है वो उस चीज़ को उठा लेगा लगभग 5 टन के करीब। तो यहाँ ऐसे ये हैंड ऑपरेटेड थी। और सिर्फ इसी साइड नहीं, बल्कि अगर हम दूसरे साइड में जाएंगे तो दूसरे साइड से भी कोई भी इंसान इसको पकड़ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये हैंडल लगाने का दिया हुआ है, जिसको कि पकड़ के इसको जैसे ही घुमाएंगे तो फिर ये किसी भी चीज़ को उठा सकता है 5 टन तक के। लेकिन अभी फ़िलहाल ये ऐसे ही यहाँ पर खड़ी हुई है मशीन, अब तो इसका कोई काम नहीं है, इसको म्यूज़ियम में रख देना चाहिए फ़िलहाल तो। लेकिन बाकी आप देख सकते हैं इसकी पूजा उजा भी होती रहती है, शुभ लाभ यहाँ पर लिखा हुआ है और डेट भी लिखी है 5/10/2022। तो दशहरा के दिन जब शस्त्र या फिर गाड़ी की पूजा करते हैं तो उस समय इसकी भी पूजा करी जाती है। और बाकी आप देख सकते हैं आगे पर ऐसे ही चक्के भी रखे हुए हैं, जो कि वहाँ पर पड़े हैं ऐसे ही कई सारे, और उनका कोई काम नहीं है। यहाँ पर डिफेक्टिव मालगाड़ी है कुछ, ऐसे ही इसके 2 डिब्बे यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ पीछे साइड में ये आप देख सकते हैं 3 कोच जले हुए हैं। और यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं ये रही हमारी हैंड ऑपरेटेड क्रेन, जिसको कि मैंने आज आपको समझा दिया कि किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।